खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा शहर में आज शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के आजाद मैदान से शुरू होकर श्याम विलास चौराहा, लुनियापुरा, राजमोहल्ला, ड्रीमलेट चौराहा, सांगी स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, फूल चौक, एमजी रोड, हरी फाटक होते हुए वापस आजाद मैदान पर समापन होगा। इस शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति की भी उपस्थित रही। इस शौर्य यात्रा का नगर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर पुष्प वर्षा से विभिन्न संगठनों ने द्वारा स्वागत भी किया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के साथ SDOP विनोद शर्मा, थाना प्रभारी कुलदीप खत्री भारी पुलिस बल के साथ तैनात था। इस यात्रा में सबसे आगे DJ, उसके बाद मातृशक्ति, फोर व्हीलर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के वरिष्ठ नेता, उसके बाद में हजारों मोटरसाइकिल के साथ शौर्य यात्रा निकाली गई। पूरे संपूर्ण भारत के अंदर शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। गीता जयंती के दिन पर हम हमारा शौर्य दिवस बनाते हैं और संपूर्ण भारत, मालवा प्रांत ही नहीं, संपूर्ण भारत के अंदर यह बजरंग दल के द्वारा हर वर्ष सतत पिछले कुछ वर्षों से जारी है और भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। ये बजरंग दल का शौर्य बताने का तरीका है, हिंदू समाज के अंदर एकता दिखाने का तरीका है और हिंदू समाज को एकता को प्रदर्शित करते हुए यह यात्रा आज यहाँ महू से प्रारंभ होकर पुनः इसी आज़ाद मैदान पर समापन होगा, पूरी होगी और इसके साथ में हम हिंदू समाज के अंदर की एकता का संदेश देते हुए आगे बढ़ेंगे। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।